लोग अभी आईफोन लेने से डर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आईफोन का हालात केटीएम जैसे होने वाला है। क्योंकि जब शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड आया था तब ये लोग केटीएम बाइक के साथ वीडियोस बनाने लगे थे और रातों रात वायरल भी हो जाने लगे थे। और तो और केटीएम का ब्रांड इमेज छपरियों से जुड़ने लगा था। इनफैक्ट लोग अभी केटीएम को छपरियों का बाइक बोलते हैं। तो इससे हुआ ये कि एक नॉर्मल आदमी जिसे केटीएम बाइक पसंद है लेकिन वो दूसरे बाइक लेना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर केटीएम लेंगे तो हम भी छपरी जैसे दिखेंगे। क्योंकि जो ज्यादा हम दिखते हैं, जो ज्यादा हम सुनते हैं, वही हमें लगने भी लगता है। इसलिए अभी केटीएम को छपरियों का बाइक बोलते हैं। एंड कुछ सिमिलर सी सोच अभी इसको लेकर भी चल रही है क्योंकि आजकल इसे हर कोई लेने लगा है, प्लस इंस्टा पे छपरी जैसे हरकतें भी कर रही है। तो क्या सच में आईफोन का हालत केटीएम जैसे होने वाला है? यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज डीजी एंड यू आर वाचिंग डी डिवाइस। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं, आईफोन का हालत केटीएम जैसे नहीं होने वाला। इसका बेसिकली तीन कारण है। वैसे तो एप्पल एंड केटीएम का कुछ कंपटीशन बनते ही नहीं क्योंकि एप्पल फोन बनाता है एंड केटीएम बाइक्स। बट आज की डेट में बाइक के साथ साथ फोन भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है हमारी लाइफ में। बट स्टिल दोनों का सिनेरियो अलग अलग है। जैसे जो लोग छपरी दिखने की डर से केटीएम बाइक नहीं ले रहे, वही लोगों को फोन के मामले में डर नहीं लगेगा क्योंकि बाइक का स्टेटस सिंबल फोन से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, आपके जितने भी दोस्त हैं, किसके पास किस ब्रांड की फोन है ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन किसके पास किस ब्रांड की बाइक है ये आप जरूर जानते होंगे। क्योंकि बाइक हमें दिखते ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोन। प्लस कभी कभी हम दोस्तों का बाइक उधार भी ले लेते हैं, लेकिन फोन हम किसी को ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। एंड ये चीज सिर्फ दोस्तों के अंदर ही सीमित नहीं है। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का महंगा फोन है एंड सिर्फ 50,000 का बाइक है, तो फिर आपकी पड़ोसी या फिर रिलेटिव्स को आपके सस्ते बाइक के बारे में पता होंगे, ना कि आपके महंगे फोन के। एंड दैट इज बिकॉज लोगों का इमोशन बाइक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। तो बाइक के मामले में लोग दूसरे स्पोर्ट बाइक ले रहे हैं, लेकिन अगर लोगों का इमोशन फोन को लेकर भी बाइक जैसे ही होता तब भी लोग आईफोन ही लेते। एंड इसका कारण है रीजन नंबर टू, केटीएम का ट्रू अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है लेकिन आईफोन का ट्रू अल्टरनेटिव्स नहीं है। मतलब लोग अगर केटीएम की जगह कावासाकी का बाइक ले लेते हैं तो उसे कमी महसूस कुछ नहीं होगी, लेकिन अगर वही फिर आईफोन की जगह एंड्रॉयड ले लेता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का कमी महसूस हो सकता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होगा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। हर किसी के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एंड्रॉयड वर्सेज iOS एक एंडलेस कंपैरिजन है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हो सकता है, सो जस्ट लीव इट। एंड ओवरऑल आईफोन इज बेटर देन एनी एंड्रॉइड फोन। तो इसके ऊपर अगर छपरी टैग लग भी जाता है तब भी लोग इसे ही लेंगे क्योंकि लोग छपरी टैग हजम कर सकते हैं दोस्तों का, लेकिन फोन यूज करते टाइम कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि लोग महंगा फोन लेते ही है शौक के लिए, जरूरत है तो 20-30 हज़ार में खत्म हो जाता है हमारा। और शौक की चीज़ों में लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर शौक की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो किस बात की शौक हुई। अब ये दोनों पॉइंट तो हो गई उसकी बात जो हमें लगता है कि हो रहा है, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। क्योंकि अगर आप इंडिया में केटीएम बाइक की सेलिंग ग्राफ को देखेंगे तो आपको उतना डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा जितना हमें लगता है कि हुआ है। FY 2013 से केटीएम का सेल बढ़ते ही गया है इंडिया में। इनफैक्ट कोविड के टाइम भी इंक्रीज हुआ है, जबकि छपरी टैग इससे पहले लग चुका है। देन FY 2022 में सेल थोड़ा सा गिरा है, लेकिन लास्ट ईयर फिर से ये बढ़ गया। अब ग्राफ को देखकर लग सकता है कि केटीएम का क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि सेल्स गिरा है। बट ट्रस्ट मी, सेल्स ही थोड़ा सा गिरा है, क्रेज नहीं गिरा। क्योंकि एक सिंगल ब्रांड का 52,000 बाइक बिकना आम बात नहीं होती, क्योंकि लोग 8-10 साल में जाकर अपनी बाइक चेंज करने के बारे में सोचते हैं एंड वही फिर लोग फोन 1-2 साल में ही चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हर एक फैमिली मेंबर के पास आज के डेट में एक फोन होती है, लेकिन बाइक फैमिली में एक ही होती है। तो जब केटीएम के ऊपर इतना छपरी टैग लगने के बाद भी केटीएम का डाउनफॉल नहीं हुआ है, तब इसका भी नहीं होगा। प्लस इसके पास ऑलरेडी 2 एडिशनल एडवांटेजेस है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स लीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ईएमआई पे मत लीजिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग आईफोन तो ले रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है आईफोन खरीदने के लिए। है बस ईएमआई का ऑप्शन, फ्लेक्स मारने के लिए ईएमआई के थ्रू आईफोन ले रहे हैं। और आप भी फ्लेक्स मारने के लिए इनके जैसा आईफोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है एंड आप हो छपरी।